हाँ, जिसको आप देख रहे हो वाइजम माउंटेन। वाइजम माउंटेन आज नैनाणा ब्लॉक क्षेत्र के केलधार मल्ला में जहाँ पे एक घटना हुई है। रावत जी धर्मपत्नी गांव में रहते हैं, उनके दो बच्चे हैं जो बाहर काम करते हैं और यहीं पे वो लोग अपना काम करते हैं। ये उनका खेत है और इस जगह पे आज गुलदार जो जंगलात वाले आए हैं, उन्होंने अभी डिक्लेयर किया कि गुलदार ने उनपे हमला किया है और यहीं पे ये घटना यहीं की है। सामने ये घटना है, आप सामने देख रहे होंगे, ये वो घटना है यहाँ पे। हेलो, मेरे साथ इस सिविल क्षेत्र के रेंजर साहब भी हैं जो यहाँ पे इस घटना स्थल पर अपना पूरा कार्रवाई कर रहे हैं। और ये खेत ज्यादा दूर नहीं है घर से, मात्र 100 मीटर की दूरी पे ये घर है। सामने 50 मीटर की दूरी पे घर है। मेरे साथ यहाँ पे ग्राम प्रधान भी हैं सत्येंद्र सिंह जी, उनसे बात करते हैं कि वो यहाँ पे ये जो घटना हुई थी किस समय की बात है, जहाँ पे किस टाइम की घटना जो है 10 से 10:30 की घटना है। अच्छा अच्छा। सुबह अपने घर से 9-8 बजे निकले थे खेत में अदरक निकालने के लिए। अच्छा, मतलब नाश्ता करके नाश्ता करके खेत में आ गए थे। अच्छा अच्छा, अदरक निकाल रहे साइड में। अच्छा 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 अच्छा। उसके बाद जब घर नहीं पहुंचे, 11 बजे घर जाते थे और दिन हमेशा वही टाइम था उनका, आज नहीं पहुंचे 11 बजे, 12 बजे करीब खोजबीन करी गई। अच्छा, आपके गाँव वालों के थ्रू मतलब फिर यहाँ पे खोजबीन की गई। उनके घर से पता चला कि ये नहीं आए तो उन्होंने गाँव वालों से सूचना दिया कि भाई ये आज लेट कैसे हो गए। तो जब खेत में आए तो यहाँ पे देखा ब्लड, उससे शक हुआ कि किसी जंगली जानवर ने हमला किया। उसके बाद खोजबीन की गई तो उनकी बॉडी जो है काफी 200 मीटर दूर थे। तो आपने बॉडी देखी, क्या हालत कर रखी गुलदार ने? तो मेरे साथ प्रधान जी थे जो ये कह रहे हैं कि गांव की मदद से यहाँ पे उनकी खोजबीन की गई है। दिन के तड़के 8 या 10 बजे के बीच की बात है, धूप अच्छी रहती है उस टाइम पे। इन गाँव में जो पहाड़ों में जो हमारे खेत होते हैं वो नजदीक घर से नजदीक दूर कोई करता नहीं है, जंगली जानवर हर समय डर बना रहता है। एक पूरा खेत है उनका, इस खेत में वो आए थे, यहाँ पे बाढ़ करने के लिए आए थे। वो सामने वो साड़ी लगी, पहले उन्होंने वहां से वो बाढ़ किया जानवर से, जो जंगली जानवर से बचाव के लिए खेती को, उसके बाद इधर आए और यहाँ पे उनके गुलदार ने यहाँ पे अटैक किया है। और यहाँ पे काफी लोग हैं और अदरक की खेती सामने, ऊपर हल्दी खेती है। पहाड़ों में ये दिन पर दिन लगातार बढ़ रहा है। ऐसी घटना एक साल वाल हुआ है जो मंगेड़ी में या हुआ है, जहाँ पे एक लेडी को भी अपने शिकार बनाया गुलदार नहीं। तो ये हालत बाढ़ करने के बाद इन्होंने क्या किया कि मतलब जो उसके बाद जो है उनके मतलब ब्रेकफास्ट नहीं किया था, उनकी घरवाली घास के लिए चली गई। जब वो घास से आए तब उन्होंने ढूंढा, घर में नहीं आए, घर में नहीं आए तो इधर उधर आए, इधर देखा उन्हें कुछ है नहीं है, धोती यहाँ पर गिरी हुई है। उसके बाद उन्होंने हमारे को आवाज मारी, फिर हम लोग आए आकर हमने यहाँ पर ब्लड देखा। मतलब आप लगभग कितने बजे करीब 11-12 बजे लगभग 12 के बाद ही आए, 12 के 12 बजे बाद, ठीक ठीक के बाद आए हम। हाँ जी हाँ जी। तो हमने यहाँ पर ब्लड देखा तो फिर हम ऐसे ढूंढा तो फिर नीचे ऐसे चलते रहे। आपने निशानदेही पे चलते रहे ब्लड के इधर से, फिर उधर नीचे हमारे को बॉडी दिखाई दी। ठीक है। मैंने उनकी वाइफ को जो है ना, मैं बोला चलो इधर को चलते इधर ढूंढते, मैं कहा एकदम जो वहाँ पर जाना ठीक नहीं ना उनके, बिल्कुल बिल्कुल है ना। फिर मैं उनको उधर से ले गया उधर, फिर मैं बोला चलो इधर नहीं है ऐसे उनको घर में पहुँचाया। हाँ जी है ना। तो वो चीज भी तो मतलब आप मतलब बॉडी
वो तुम्हारा कहना ठीक है ना, पर भाई घास लगाना कई काम से भाई रात उन्होंने ख्याल में कहा सुबह 9 बजे घंटे घटना कभी भी घट सकती है ऐसा नहीं। हाँ समझ गए भाई, हम आपको ना कि अब देखा एक घटना हो गए ठीक, मतलब अब आप लोगों को सच रहा है सावधानी घर दूरी और खेत दूरी कितना जंगल घना जंगल भी नहीं था हमने स्ट्राइक की वहाँ धुमाकोट में कोई नहीं था वहाँ समझिए जंगली जानवरों की साहब हमने की फोन नंबर है साहब का फोन नंबर आपका लगाओ जरा फोन जान रहा नरेंद्र साहब का फोन नंबर है लगाओ जरा बात कितनी फोन आ उत्तराखंड आप देखना छो पहाड़ों की आवाज गांव की आवाज घर घर की आवाज पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो एक आवाज था आप को सहयोग जरूरी छे आप चैनल थी सब्सक्राइब करा शेयर करा अपन प्रतिक्रिया जरूर लिख अपन ध्यान रखा और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा है हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा धन्यवाद वाला दिनों ते सेकी समाली लावा ए जावा